हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और टेस्टी सूजी का नाश्ता की रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस नाश्ते को आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक में बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेना है, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ 2 यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर 10 से 12 सेकेंड के लिए भून लेना है। जब ये चटक जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से मिला ले, और मिला लेने के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक प्याज को भून लेना है। 2 मिनट तक प्याज को भून लेने के बाद ना यहाँ पर देखिए प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का टमाटर और कद्दूकस किया हुआ 1 गाजर। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पे आप कोई और भी हरी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स हो गया, हरा मटर, ये सबको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लेना है, और मिला लेने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक भून लेने के बाद ना अब इसमें 1 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे। आप यहाँ पे कोई भी सूजी ले सकते हैं। सूजी डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, और मिला लेने के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट तक सूजी को भून लेने के बाद यहाँ पर देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो 1 कप सूजी के लिए इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी डालते वक्त गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को डो फॉर्म में आने तक पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम लो ही रखें, लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहे, और यहाँ पर देखिए सूजी का डो बनकर तैयार हो गया है, और ये कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ मीडियम साइज के 3 बॉयल आलू। तो यहाँ पे आलू को आप मैश कर भी ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले। अब इन सभी को सूजी के डो में अच्छी तरह से मिला लेना है। इस वक्त गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। सूजी के डो में आलू और धनिया पत्ता को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद ना गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, और इसे साइड में ठंडा हो जाने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर देखिए सूजी का डो ठंडा हो गया है। ये ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट इतना है कि इसे आप हाथों से अच्छी तरह से छू सकते हैं। इसे मिलाते हुए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसे जितना अच्छे से आप मिलाएंगे नाश्ता उतना ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सूजी का चिकना डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सूजी का चिकना डो लगा लेना है, और इसके बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जब हम नाश्ते का शेप दें तो ये हाथ में ना चिपके। अब इसे हमें टिक्की का शेप दे देना है। तो नाश्ते को मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला ना करेंगे, वरना क्या होगा कि नाश्ते को फ्राई करते वक्त ये टूट जाएगा। तो साइड साइड से भी नाश्ते को सेट कर ले। तो देखिए इसी तरह से सारे नाश्ते को टिक्की का शेप दे देना है। और यहाँ पर देखिए मैंने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1-1 करके नाश्ते के पीसेस को डालेंगे,
और इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो रखते ही इसे न पलटे। जब नाश्ता एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो एक एक करके सभी नाश्ते को पलट देंगे और पलटने के बाद ना दूसरी साइड से भी नाश्ते को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी ना फ्राई करें, वरना क्या होगा कि नाश्ता ऑयली हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नाश्ता दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और देख सकते हैं नाश्ते में कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। तो अब इन सभी नाश्ते को छानकर हमें बाहर निकाल लेना है। तो निकालते वक्त इसे थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बाहर निकल जाए। और इन सभी नाश्ते को निकाल लेने के बाद ना सेम प्रोसेस से बचे हुए नाश्ते को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए गर्मा गर्म आज का हमारा सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इस नाश्ते को एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। इस नाश्ते को आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये नाश्ता बच्चे को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो इसे बनाकर एक बार ट्राई करें। और आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।